हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप रेडमी का इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, तो उसमें एक नया अपडेट आया है सिक्योरिटी पाँच लेवल का है और वो मार्च का है 2019 का। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे करना है तो इस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे अपडेट अप करेंगे और क्या क्या उसमें नया अपडेट आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा पर अपडेट एक अवेलेबल ये आ चुका है, ये वाला अपडेट आ चुका है। समझ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो MIUI है वो है 10.2 है, स्टेबल 10.2.1.0 है। और ये जो आपका CPU है, तो मेरे वाला में 3GB 32GB वाला वेरियंट है, तो इसमें ये अपडेट आया है। ठीक है, चलिए इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। एकदम फास्ट से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर जो अबाउट फोन है उस पर एक अपडेट आया होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। और उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सिस्टम अपडेट, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन का अपडेटेड ऑप्शन रेट सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2019 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर नीचे जो डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना, तो आप लोग अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड अपडेट पर। देखिए यहाँ पर शो करेगा कि आप वाईफाई पे, अगर आप वाईफाई पे कनेक्टेड हैं तो वाईफाई के थ्रू करना, वरना यहाँ पर अगर आप अभी आपके पास वाईफाई नहीं है तो नाउ डाउन लेटर करना। और अगर आप मोबाइल नेटवर्क से ये अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक है, तो चलिए मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, ये हमारा डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है। डाउनलोडिंग 0% है। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दो परसेंट हो गया, 3% हो गया। इसको मैं थोड़ा वेट करता हूँ, ताकि ये, अगर मैं ऐसे ही इसको वेट करता रहा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ, उसके बाद आप ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आगे आप लोग को क्या करना है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है वो 307 MB का आया हुआ है। देखिए, ये हमारा 99% हो चुका है डाउनलोड, और अभी ये 100% हो गया। यहाँ पर डिक्रिप्टिंग का ऑप्शन आ गया है। फ्रेंड्स, ये डाउनलोड होने के बाद आपका जो फ़ोन है उसको रिबूट करने को कहेगा, आप सिंपली इसको रिबूट कर देना। ठीक है, ये जो अपडेट करने से आपका फ़ोन में जो कोई एरर आ रहा होगा,
क्या होता है ना, कभी कभी हम एप्लीकेशन खोलने के बाद एक तो एप्लीकेशन में एरर का ऑप्शन आता है, तो इसे करने के बाद वो एरर मैसेज नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन ठीक से प्रॉपरली वर्क करेगा। और कुछ सिक्योरिटी वगैरह लोगों ने उसमें अपडेट किए होंगे जो कि हमारे फ़ोन के लिए अच्छा होता है। तो चलिए हम इसे रिबूट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप रेडमी का इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, तो उसमें एक नया अपडेट आया है सिक्योरिटी पैच लेवल का है, और वो मार्च का है 2019 का। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे करना है, तो इस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे अपडेट आप करेंगे और क्या क्या उसमें नया अपडेट आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा पर अपडेट एक अवेलेबल ये आ चुका है, ये वाला अपडेट आ चुका है। तो इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो MIUI है वो है 10.2 है, स्टेबल 10.2.1.0 है, और ये जो आपका CPU है, तो मेरे वाला में 3GB 32GB वाला वेरियंट है, तो इसमें ये अपडेट आया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ एकदम फास्ट से आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर जो अबाउट फ़ोन है उस पर एक अपडेट आया होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है, और उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सिस्टम अपडेट, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन का, अपडेटेड ऑप्शन रेट सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2019 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर नीचे जो डाउनलोड अपडेट का ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना, तो आप लोग अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड अपडेट पर। देखिए यहाँ पर शो करेगा कि आप वाईफाई पे, अगर आप वाईफाई पे कनेक्टेड हैं तो वाईफाई के थ्रू करना, वरना यहाँ पर अगर आप अभी आपके पास वाईफाई नहीं है तो डाउनलोड लेटर करना, और अगर आप मोबाइल नेटवर्क से ये अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। तो चलिए मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये हमारा डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोडिंग 0% है। यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दो परसेंट हो गया, 3% हो गया, इसको मैं थोड़ा वेट करता हूँ, ताकि ये अगर मैं ऐसे ही इसको वेट करता रहा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो
मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ, उसके बाद आप ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद देखेंगे आगे आप लोग को क्या करना है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है वो 307 MB का आया हुआ है। देखिए ये हमारा 99% हो चुका है डाउनलोड, और अभी ये 100% हो गया। यहाँ पर डिक्रिप्टिंग का ऑप्शन आ गया है फ्रेंड्स। ये डाउनलोड होने के बाद आपका जो फ़ोन है उसको रिबूट करने को कहेगा, आप सिंपली इसको रिबूट कर देना, ठीक है। ये जो अपडेट करने से आपका फ़ोन में जो कोई एरर आ रहा होगा, क्या होता है ना कभी कभी हम एप्लीकेशन खोलने के बाद एक तो एप्लीकेशन में एरर का ऑप्शन आता है, तो इसे करने के बाद वो एरर मैसेज नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन ठीक से प्रॉपरली वर्क करेगा। और कुछ सिक्योरिटी वगैरह लोगों ने उसमें अपडेट किए होंगे जो कि हमारे फ़ोन के लिए अच्छा होता है। तो चलिए हम इसे रिबूट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है।